हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज हम डिस्कस करेंगे कि किन स्टूडेंट्स को पीटी की तैयारी करनी चाहिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, जिनका ग्रुप डी का एग्जाम हो गया है, और कब से करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। सारे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, जितने भी स्टूडेंट हैं ना, सब ने ग्रुप डी का एग्जाम दे दिया है, और उनके उनका एक ही सवाल है कि सर, मुझे पीटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जितने भी एवरेज स्टूडेंट हैं, सबको पता रहता है, वो एग्जाम देकर आए हैं कि उन कट ऑफ कितना जाएगा, मैंने जितना पेपर सॉल्व किया है उतने में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। उसके बावजूद भी आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर या मुझसे भी कई बार पूछते हो कि सर, इतने में होगा या नहीं। तो अगर कट ऑफ को साइड में रख दिया जाए, तो एग्जाम देने के बाद पर्सनल लेवल पर मैं बात करूं, अगर आप किसी भी स्टूडेंट से जाकर पूछेंगे ना कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मुझे करनी चाहिए, तो वो बोलेगा नहीं होगा इतने में, है ना। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बात करूं, अगर आपने एग्जाम अच्छे से दिया है और आपको लगता है कि मेरा इतने में हो जाएगा, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। पहली बात, मैंने पीईटी की तैयारी कब शुरू की थी, तो मार्च के महीने में 19 में मेरा रिजल्ट आया था, 4 से 5 मार्च के बीच, और 29 मार्च को मेरी रनिंग थी। तो सोच लो, मुझे केवल 25 दिन का टाइम मिला था। 25 दिन में 5 दिन मुझे सोचने में लग गए थे कि कब से मैं ग्राउंड जाऊं वगैरह वगैरह, लेकिन फिर मैं 10-15 दिन गया ग्राउंड में, मेहनत करी, फिर भी मेरी टाइम पर दौड़ नहीं आती थी। एग्जाम सेंटर, मतलब जहां मेरा जबलपुर में मेरी रनिंग हुई थी, वहां पर क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड था, कह सकते हैं वो 2018-19 से पोस्टेड है, बिहार का था, मुझे नाम तो याद नहीं, मैं उसको बिहारी भाई कह के बुलाता हूँ। तो उसने बोला था कि आप मेरे पीछे दौड़ना, मैं ऐसे हाथ करते जाऊँगा, मेरा हाथ देखकर आपको दौड़ना है, आपकी रनिंग निकल जाएगी। तो फर्स्ट राउंड में मैंने उसको पीछे कर दिया, लेकिन ओवरऑल मैं उसके पीछे हो गया था, फिर दोनों की दौड़ निकल गई थी। तो उसका बहुत बड़ा रोल था, लेकिन आप मेरी फिटनेस देख पा रहे होंगे कि मेरी बॉडी ऐसी है जिसमें मैं कम समय में भी रनिंग को निकाल सकता हूँ। अगर आपका फिजिकल, मतलब आपकी बॉडी, अगर थोड़े से आप मोटे हैं, हेल्दी हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें दो इवेंट होते हैं, 4 मिनट 15 सेकेंड। 4 मिनट 15 सेकेंड में 1000 मीटर की दौड़ आपको पूरी करनी है, एक राउंड, मतलब एक ही चांस मिलेगा, 200-200 मीटर के 5 राउंड होंगे। दूसरी चीज, 35 kg का आपको वेट उठाना है, 100 मीटर के लिए 2 मिनट में जाना है, बिना वजन को गिराए एक ही बार में। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करें, तो 5 मिनट 40 सेकेंड में आपको 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, जिसमें आपको 5 राउंड लगाने हैं, 200-200 मीटर का एक राउंड रहेगा, बहुत टाइम है, 5 मिनट 40 सेकेंड। और 20 kg का आपको वेट उठाना है, एक बोरी में रेत वगैरह भरी रहेगी, तो उसको कंधे पे रख के 100 मीटर आपको चलना है या दौड़ना है, 2 मिनट में उतना काम हो जाना चाहिए। तो ये दो ही इवेंट है, देखने में तो ये बहुत टफ नहीं लगते, लेकिन अगर आपने ग्राउंड में वक्त नहीं बिताया है ना, आपको पता नहीं है कि आपके पैर कितने मजबूत हैं, कितनी मेहनत आपको लगेगी, तो आपका फिजिकल में नहीं होगा। मुझे 20 दिन का समय मिला था, तो आप सोच लीजिए कि जब रिजल्ट आएगा, आप रिजल्ट का वेट करेंगे, उसके बाद कितना कम आपको टाइम मिलने वाला है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, आप एग्जाम देकर खुद पता कर लिए हैं, आपने खुद एग्जाम दिया है कि मेरा इतने में होगा या नहीं। अभी भी स्टूडेंट मुझसे कमेंट करके पूछेंगे, मैं उनको फिर भी जवाब दूंगा, जो भी होगा उनके नंबर के रिगार्डिंग, लेकिन आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। इवेंट छोटे छोटे हैं, क्योंकि होता क्या है कि 90 नंबर लाने से, 85 नंबर लाने से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिजिकल में या मेडिकल में, किसी भी राउंड में आप बाहर हुए, तो आप इस पूरी प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हर एक इवेंट को आप सिंसियर लीजिए। मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के ऊपर भी वीडियो बना रखा है, मैं जुलाई में देकर आया हूँ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो दोनों को देख लीजिएगा। आप सारी चीज़ों की प्रिपरेशन अभी से कर लीजिए। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जिनके पास लास्ट मौका है, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या जो करो या मरो वाली फेस पर है, उनको एक एक पॉइंट पर काम करना चाहिए और बिल्कुल सिंसियर तरीके से लग जाना चाहिए। जो भी आपका डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर, आप ग्रुप डी में पहले ही से सिलेक्टेड हैं, तो आप अभी इस बार का एग्जाम क्यों दिया, ऐसा क्यों किया? तो मेरे भाई, अभी मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, मेरा अभी अलॉटमेंट हुआ है, तो अभी टाइम लग रहा है। तो क्या मैं इस बार का पेपर भरा था तो मैं पेपर देने नहीं जाऊं? जब तक मेरा फाइनल नहीं हो जाएगा, मैं कैसे मान लूं कि मेरा फाइनल हुआ है या नहीं? और ये मेरा अधिकार है, मैंने फॉर्म भरा था तो मैं जा सकता हूँ, ठीक है? आप नेगेटिव हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, आपको बिल्कुल एक एक स्टेप को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर वीडियो बढ़िया लगता है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको लगती है, तो आप वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों को मोटिवेट करना है और सही जानकारी देना है। और मैं बता दूं, मैं जितनी भी बातें करता हूं, मैं पिछले 7-8 सालों के एक्सपीरियंस के बेस पर करता हूं। 25+ स्टूडेंट
25 प्लस स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी सेलेक्टेड है मेरी कोचिंग क्लास से। मैं अकेला कोचिंग सेंटर चलाता हूँ अपना, मेरे साथ कोई भी पार्टनर नहीं है। अगर आपको भरोसा करना हो तो करो, अदरवाइज मत करो। लेकिन आपके मन में एक डाउट उठेगा कि आप अभी तक नौकरी क्यों नहीं लगे, तो उसका पहला रीज़न ये था कि मुझे नौकरी करने में इंटरेस्ट ही नहीं था। और अभी जब मेरा हुआ है तो सिचुएशन कुछ दूसरी है। कोरोना के टाइम तक ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, कोरोना के पहले तो कोई बात नहीं थी, अब ऑफलाइन का क्रेज बहुत कम हो गया है। मेरे एरिया में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो पढ़ाई की वैल्यू नहीं करती, सीधी सी बात यह है। तो ये रीज़न है मैंने जहाँ काम किया, जहाँ मेहनत करी। अगर मैं इसको बड़े शहर में करता तो कोई और बात होती, ये रीज़न थे। और मात्र मैंने 300 रुपये महीने में पढ़ाया, मात्र 300 रुपये महीने में लेता था। दो दो घंटे भी मैंने क्लास पढ़ाई है, मैंने सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा है, इससे ज़्यादा मैंने चार्ज नहीं किया है। तो ये पूरी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, आपको भरोसा करना हो करिए, नहीं करना हो मत करो। लेकिन अगर इसके बावजूद जितने भी कैंडिडेट्स को मेरा वीडियो बढ़िया लगा है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए, और अभी से सारे स्टेप को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। पहले दिन जब आप ग्राउंड में जाएंगे ना, तो आपको केवल क्या बोलते हैं रनिंग करना है, मतलब सॉरी चलना सीखना है, फिर तेज चलना सीखना है, फिर हल्का हल्का दौड़ना सीखना है, फिर उसके बाद आप दौड़ना शुरू करेंगे। मैं YouTube पे करीब मुझे 8-9 महीने काम करते हुए हो गया, लेकिन मैं अगर रिजल्ट की सोचता ना तो मैं इतने दिन तैयारी नहीं करता। तो ये मेरा जो बैकअप है, 8-9 महीने मैंने तैयारी करी, तो उसका परिणाम मुझे कुछ सालों में या कुछ महीनों में मिलेगा। तो तुरंत किसी भी चीज़ का आउटकम नहीं आता है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ग्राउंड में अच्छे नहीं हैं, 90 नंबर लेकर बैठे हैं, 80 नंबर लेकर बैठे हैं, तो आप ये गलत कर रहे हैं। अभी से ग्राउंड जाइए और तैयारी करिए। बाकी जो इतने ज़्यादा नंबर लेकर आता है 80-90, वो और अच्छी पोस्ट भी गेन कर सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बढ़िया लगा, बढ़िया लगा तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।